सेकेंड कारण शेर माने तो ताकत का प्रतीक, हाथी माना जाता तो दौलत का प्रतीक। पैसा और ताकत दोनों चीज़ इकट्ठे हो जाए हम लोग शरीर में की इजाजत अहंकार निगमन। गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैंने कल ये सोचा था कि मैं जल्दी सो जाऊंगा और जल्दी उठ के फिर नहा धो के आराम से जो मैंने एक ट्रैवल एजेंसी पे अपना सीट बुक किया है जो कि पूरा ऑल ओवर द भुवनेश्वर मुझे टूर कराएगा, ठीक है। तो वो 6:30 बजे का टाइमिंग था और अभी 7 बजे रहे और मैं सो के उठा हूँ। तो अभी जस्ट उनका कॉल आया था तो बोले 1 घंटे में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जल्दी से नहा धो लेते हैं उसके बाद निकलते हैं भाई। नहा धो के हो गए तैयार और अभी जा रहे हैं सीढ़ियों से नीचे। जो ट्रैवल एजेंसी है उन्होंने ऑटो वाले को नीचे खड़ा कर रखा है तो मेरे को वो ऑटो पे बैठ के उनके साथ जहाँ वो ले के जाएंगे वहाँ जाना है। उसके बाद वहाँ से बाई बस हम लोग टूर के लिए निकलेंगे। मोटर का साउंड है। ये है मरीन ड्राइव। राइट नाउ मैं हूँ अभी गोल्डन बीच पे। ये देख सकते हो बीच और यहाँ बगल में ही चंद्रभागा नदी है। वहाँ पे आज स्नान मेला चल रहा है तो जिस वजह से वो बंद है अभी, तो वहाँ आज जा नहीं सकते। 144 लग रखा है यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल और ये भैया हमारे गाइड है। भैया आपका नाम क्या है? आकाश महंती। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन की ओर से। जय जगन्नाथ। माय सेल्फ टूर गाइड। और ये वाला रास्ता जो है वो जाता है कोणार्क टेम्पल की ओर और यहाँ पे मोबाइल फोन्स चप्पल जूता सभी लेकर के जा सकते। ये देखें सबसे पहला अभी हम लोग खड़े हो गया कोणार्क में, यानी ये रहे सूर्य मंदिर। तो मेन दरवाजा ये सिंहद्वार हैं। ध्यान में रखें उड़ीसा में जितने मंदिर चले हम लोग सारे मंदिर के सामने गेट में हम शेर दिखते हैं, यहाँ रहते हैं। डायरेक्शन के लिए ईस्ट होते पूरब मानते हैं, कहीं भी शेर रह जाते हैं ये पूरब हो जाएँ। लेकिन कोणार्क के एक मंदिर जिसके सामने तीनों मूर्ति, नीचे लेटा हुआ आदमी इंसान है, उसी के ऊपर हाथी रहते हैं, हाथी के ऊपर शेर है। एक ही पत्थर सिंगल पीसेस मोनोलिथिक, इनका डायमीटर रहते हैं 9। तब तीनों मूर्ति रहने के मतलब और एक कारण होते हैं। आदमी जो रहते हैं नीचे सनातन धर्म का निशानी, भारत के हिसाब से देश के नाम हुए भारत, बीच में सनातन धर्म को दबा के रखा था बौद्ध, बौद्ध के निशान होता हाथी, फिर वही बौद्ध धर्म की दबा के आ गया वही सनातन धर्म जिसका आदि शंकराचार्य ने लागे, इसलिए हिंदू धर्म हम कहते हैं देर शेर रखा गया। सेकंड कारण शेर माने तो ताकत का प्रतीक, हाथी माना जाता तो दौलत का प्रतीक। पैसा और ताकत दोनों चीज़ इकट्ठे हो जाए हम लोग शरीर में की इजाजत अहंकार निगमन। जब आदमी के पास घमंड हो जाते तो घमंड के लिए आदमी नीचे रहते, जैसे स्टोरी अपन रावण बड़ी दूर जैसा पहलवानी भगवान मंदिर के अंदर जाने से पहले कोई घमंड का जरूरत नहीं, श्रद्धा और प्रेम से भगवान के दर्शन करना, इसलिए दो मूर्ति बराबर सेम किया गया। बढ़िया, आगे वो वाला कौन सा टेम्पल है? प्रार्थना मंदिर, प्रेयर हॉल। प्रेयर हॉल। हम लोग ये जो मंदिर के बगल में खड़े हुए हम लोग पीछे साइड से, ये मंदिर होते हैं नाट्य मंदिर, नृत्य मंडप। इनके चारों तरफ से सब क्लासिकल डांस दिखाई है, 128 किस्म का, 128 ऑफ ओडिसी क्लासिकल डांसिंग पोजेस।
सेकंड मंदिर, ये सामने जो बड़े मंदिर खड़े हैं प्रार्थना मंदिर प्रेयर हॉल, ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता बंद है। 1903 गवर्नर पर बंगाल बंद किया गया, तब तीनों स्टेट एक ही था, बंगाल बिहार उड़ीसा, जिसको कहते हैं अंग बंग कलिंग। उड़ीसा का पहला नाम रहता था कलिंगा, क्यों बंद किया गया ना, इनके पीछे रहता था ऐसे टाइप, उससे और एक बड़ा मंदिर रहता था मुख्य सूर्य मंदिर, मेन टेम्पल, मेन मंदिर का ऊंचा उससे 100 फीट ज़्यादा रहता था, यानी 227 फीट थी। अभी हम देखेंगे सिर्फ 80 फीट ही है। ये मंदिर के ऊपर में एक लोहे चुंबक लगा गया था मंदिर को कंट्रोल करके रखने के लिए। ये सारी पत्थर जोड़ा गया लोहे के कील से, कोई सीमेंट की काम नहीं रहे, ये सारी लोहे को पकड़ कर रखा था। पोर्तुगीज लोग जब भी दरिया में जहाज लाते हैं बिजनेस करने, जहाजी के अंदर जो कंपास रहते हैं ये जगह में पहुंचने सूर्य का डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए उन्होंने निकाल दिए। निकालने के बाद में मंदिर अनबैलेंस होकर टूट चुके हैं, मेन मंदिर टूटने के बाद पूजा वूजा बंद हो गए, तो ये मंदिर कमजोर होकर पत्थर गिरने शुरू हुआ। इसको बचा कर रखने के लिए पूरे रेत से भर गया, जैसे मजबूत कर रखे जैसे मंदिर और गिर ना जाए। यानी ये टोटल मंदिर देखेंगे जैसे सूर्य भगवान के रथ है, 24 पहिया और 7 घोड़े, सूर्य के रथ में आते हैं 7 घोड़े, सप्ताह के 7 रोज मानते हैं, तभी 7 घोड़े लगाया, 24 पहिए, साल के 12 महीना, एक महीना में 2 पैखा, अमावस्या पूर्णिमा, हर चक्के के अंदर 8 लाठी दिखेंगे, जैसे साइकिल में स्पोक रहते हुए बेल के अंदर में आरा आते हैं, 8 पहर, 3 घंटे एक पहर मानते हैं, एक रोज माना जाता है 24 घंटे, 3 सूर्य भगवान मूर्ति दिखेंगे अभी सुबह दोपहर शाम, तो तीनों के चेहरे से मालूम करेंगे, सुबह दिखेंगे बच्चों के माफी, दोपहर दिखेंगे जवानी के माफी, शाम का दिखेंगे बूढ़े के माफी। चलिए आगे, मैं हूँ अभी न्यू शांति होटल में, ठीक है, ये आपका कोणार्क मंदिर के बगल में ही है, कुछ आपका आधा किलोमीटर के आसपास दूरी होगा, और यहाँ पे जो हमारा ट्रैवल बस था वो लगा, और बारी बारी से सबका ऑर्डर लिया गया। यहाँ पे थाली वाला सिस्टम, यहाँ पे हर स्टेट की आपको थाली मिल जाएगी, उड़िया थाली, बंगाली थाली, राजस्थानी, मारवाड़ी, और भी कई सारी थालियाँ हैं, तो सारा कुछ मिलेगा इधर। देख रहे हो कितना हरा भरा ग्रीन फील्ड, और ये भैया लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं आ गया हूँ धवलगिरी, और ये देखो पीछे ये जो इमारत दिख रही है इसको बोलते हैं शांति स्तंभ। हाँ, ये वही प्लेस है जहाँ पे सम्राट अशोक ने अपना धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था। ये जो पूरा नीचे फील्ड दिखा आप लोगों को ना, पहले उस लड़ाई के बाद ही सम्राट अशोक ने वहाँ पे ब्लड देखा, जिसके बाद से उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये देखो ये जो है ना स्तंभ, ये सिम्बलाइज करता है पीस को, और इसके बाद जाएंगे हम लोग भुवनेश्वर के लिंगराज टेंपल, वहाँ पे फोन्स कैमरा कुछ अलाउ नहीं होगा, तो वो सब रख करके अपने को अंदर जाना। ये लिंगराज टेंपल है, इसके अंदर कैमरा और सेलफोन वगैरह अलाउड नहीं था, तो हमने टोकन करवाया, वहाँ पे सबमिट करवाया, उसके बाद अंदर जाके दर्शन करके अभी जस्ट निकले हैं। और इसके बाद लास्ट स्टॉपेज है खंडगिरी उदयगिरी, ये यहाँ पे मतलब बहुत सारे गुफा है, तो अभी वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे घूम फिर के उसके बाद फिर वापस से पूरी जैन लोगों का गुफा है, अलग सा धर्म है, जैन धर्म पहाड़ के ऊपर है ना बसा हुआ। तोता कहाँ है? तोता 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 वो ऊपर में। वो सामने पहाड़ी पे जैन लोगों का मंदिर है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है कोविड की वजह से।
और एक चीज़ कोनार के आसपास काजू की बहुत खेती होती है, तो यहाँ पे आपको हर जगह काजू ही काजू नज़र आएंगे। ठीक है, आप चाहे तो खरीद सकते हो, लेकिन यकीन मानो टेस्ट बहुत ख़राब रहता है। जो हम लोग खाते वो पॉलिश किया हुआ, अच्छे से पॉलिश किया हुआ रहता है। और यहाँ पे लोकल अपने तरीके से इसको, जो ट्रेडिशनल तरीका है यहाँ का, उसके हिसाब से सारा चीज़ करते हैं। ये मेरे हाथ में कुछ बादाम है, जो कि ऊपर में बंदर लोग रहेंगे उन लोगों के लिए। और ये वाली पहाड़ी अपनी खंडगिरी उदयगिरी, अपने को उदयगिरी में जाने का है। ये है सामने उदयगिरी। इधर एयरपोर्ट का रनवे है और ये भुवनेश्वर सिटी। वो वाला बंदर जब सामने आया मेरे तो काफ़ी डर गया था, तो डर के मारे वो तीनों जो पैकेट्स थी वो सारा मैंने वहीं पे छोड़ दिया बंदरों के लिए। और वो बड़े मज़े से खा रहा वहाँ पे, खा भी लिया। वाह, सुपर फास्ट बंदर। वाह, यहाँ लोग मस्त खिला रहे हैं, प्यार से खा रहा है। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, उदयगिरी के साथ खंडगिरी भी घूमने आए।